आज हम उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा के अंदर मौजूद हैं, जो हिंदुस्तान की एक जानी मानी हस्ती हैं, कारी अहमद हसन। तो अभी हम उनके पास यहाँ पर मौजूद हैं और हम हजरत से बात करेंगे। और भी यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी हस्तियाँ आई हुई हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे कि हम सब लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। तो अभी हम पहले चलते हैं कारी अहमद हसन मौलाई, जो अमरोहा के रहने वाले हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे, वो बताएंगे। हजरत जी पहले अपना परिचय दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। और मैं मोहल्ला अहमद नगर अमरोहा का रहने वाला हूँ, और मेरा थाना ये अमरोहा कोतवाली है, जिला अमरोहा है, यूपी इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9927887706। यहाँ पर किस विषय में आए हुए हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं? और भी देखिए, एडवोकेट साहब भी हैं, वकील साहब भी हैं, पर बहुत बहुत बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। किस विषय में यहाँ पर आए हुए हैं? आज 12 फरवरी 2024 पहली शाबान मुअज्जम हिजरी 1445 को पीर के रोज हम अपने मौलाई मरकज की संगे बुनियाद रखने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए। यानी बहुत बड़ा मदरसा बना रहे हैं, बहुत बड़ा एक मरकज बना रहे हैं, खानका बना रहे हैं साबरिया चिश्तिया के नाम से। तो यहाँ पे हम संगे बुनियाद रखने के लिए हाजिर हुए हैं, और इसकी संगे बुनियाद का जो वक्त है वो 12:14 पर है, क्योंकि हम 12 इमाम के मानने वाले हैं और 12 पर ही पूरा निजाम कायनात चल रहा है। साल के महीने भी 12 होते हैं, दिन के घंटे भी 12 होते हैं, रात के घंटे भी 12 होते हैं, इमाम भी 12 होते हैं, आसमान में बुर्ज भी 12 होते हैं, और इंसान के मुंह में दाढ़े होती है 20 और दांत भी 12 होते हैं। यानी पूरा निजाम कायनात जो है वो 12 पर ही चल रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह में हरफ 12 है, मोहम्मद रसूलुल्लाह में हरफ 12 है, और हजरत अबू तालिब के जो अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे थे वो भी 12 है। तो उसी मुनासिबत से हम यहाँ एक मौलाई मरकज की संगत बुनियाद रखने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें इंशाअल्लाह रहमान हमारे बच्चे तालीम हासिल करेंगे, दीन की भी और दुनिया की भी। और जब बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। यहाँ तालीम भी होगी और तरबियत भी होगी। आपके चैनल के जरिए से मैं ये आवाम को पहुंचाना चाहता हूं अपने पैगाम कि ईद उल फित्र के बाद आने वाली जो 2024 में ईद उल फित्र है, उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दर्स व तदरीस का, तालीम तालीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और जो लोग अपने मौलाई बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह रहमान उनके दाखिले भी यहाँ शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग यहाँ दोपहर के वक्त मैदान में खड़े हुए हैं, और यहाँ पर सब लोग यहाँ पर तशरीफ फरमाए। अगर वक्तन वक्तन और फर्दन फर्दन में बयान करूँ तो बहुत काफी लंबा चौड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल 12 बजने वाले हैं और इस तरह का वक्त है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि हर मौके पर हर तरह से अपने मौलाई मरकज का ख्याल रखें और अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हजरत ने बताया कि यहाँ पर हम मौजूद हैं एक मौलाई मदरसे की यहाँ पर नींव रखी जा रही है, तो यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं जहाँ पर प्यार और मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जाता है। मैं अमरोहा कोर्ट में बैठता हूँ, चैम्बर नंबर 400 पे। 10 फरवरी को मुझे हरियाणा सरकार ने डॉक्टर की डिग्री भी दी है। अच्छा, लेकिन बात तो मैं जिस मजहब में हम रहते हैं, हमारे अल्लाह के रसूल ने ही फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। बेशक बेशक। और जो ये बना रहे हैं उनके लिए एक मैं शेर कहूंगा। जिन लोगों ने दानिशमंद लोगों ने लवी है दानिशमंद लोगों ने जिन्होंने महल बनवाए थे वो खंडर बन चुके हैं। वाह वाह। आज जिन लोगों ने मदरसे दरसगाहे स्कूल कॉलेज बनवाए थे वो अजीम शाम दानिशगाहें बन चुकी। वाह वाह। बहुत मैं छोटी सी बात अपनी सीखते रहेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने मेरे शहर के लिए मेरी कौम के लिए ये सोचा, और मुझे इस बात कहने में कोई शर्म नहीं है। सही बात। क्योंकि मेरा इस्लाम मजहब इस्लाम किसी कट्टरपंथी को बढ़ावा नहीं देता है, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। दुनिया के उलमा एक स्टैंड पर आके एक तख्त पर आके सबने ऐलान कर दिया कि हमारा इस ताल्लुक से कोई लेना देना नहीं है, अगर किसी का है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। कारी मोहम्मद अहमद हसन जी के द्वारा बनाया जा रहा मौलाई मरकज साबरी खानगाह जिला अमरोहा, मौलाई मरकज साबरी खानगाह की नींव रखने के बाद छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया गया। कारी अहमद हसन जी के मकान पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिस मीटिंग में
बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। ग्लोबल न्यूज़ के संपादक सूफी कशिश वारसी जी साहब, बाबा नूर शाह वारसी साहब, कारी अहमद हसन अमरोहा मौलाई, इंजीनियर सुल्तान हैदर नौगावा सादात, डॉक्टर कामरान साहब मौलाई और बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। वकील सैयद हुसैन मुरादाबादी, मुमताज़ सगलेनी शहर बरेली और सभा में सभी लोग मौजूद रहे। यूपी अमरोहा से कैमरामैन आसिफ सेवी के साथ सुहेब सावरी।